मिनिमम 8.49 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन जिनका सिविल अच्छा हो, कभी बॉन्स ना हुआ हो उनका लोन, तो उनके लिए 8.49। तो आप हमसे इन हैंड वहाँ पे लिखवा लीजिएगा कि आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं EMI का, आप वहाँ लिख दीजिए और नीचे साइन कर दीजिए कि कल रह के अगर हम गाड़ी लेके जाएं और EMI का टाइम आया तो वहाँ पे 10-20 रुपया या 1 रुपया का भी डिफर ना तो हो। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट ऑल न्यू बजाज की पल्सर 125 का बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल 2023 वाला वेरिएंट। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको हम इसका यहाँ पे बेस्ट फाइनेंस ऑप्शन बताने वाले हैं। तो अगर आप भी न्यू 125 सीसी सेगमेंट की बाइक को परचेस करने का प्लान बना रहे थे तो आज के इस वीडियो को पूरा देख ले, आपकी सभी डाउट्स हम क्लियर कर देंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर आना है, कितना इंटरेस्ट लगेगा और क्या कुछ प्रोसेस रहता है। तो अभी हमारे साथ भैया है जो कि L&T कंपनी की तरफ से है, तो ये डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले तो भैया आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम विकास कुमार हुआ, मैं L&T फाइनेंस से हूँ। ठीक है, तो अगर हम बाइक फाइनेंस करवाने के लिए आ रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लेकर आना होगा, मिनिमम से मिनिमम आप बताइए। डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड लगेगा, बैंक अकाउंट लगेगा और ATM कार्ड लगेगा, किसी भी बैंक का। किसी भी बैंक का, ठीक है, मतलब अगर इतना डॉक्यूमेंट्स है तो हम आ सकते हैं। जी, तो मिनिमम अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डाउन पेमेंट की, तो कितने डाउन पेमेंट में बाइक अवेलेबल हो जाएगी? मिनिमम 20,000 रुपया का डाउन पेमेंट में आपका गाड़ी फाइनेंस हो जाएगा, है ठीक ना। है, और इससे कम में भी हो जाएगा, लेकिन क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो हम तो बोलेंगे कि आप 20,000 का डाउन पेमेंट लेके आइए और गाड़ी फाइनेंस करवा इजिली लीजिए। मतलब हमें बाइक मिल जाएगी। जी, और अगर कम भी करना चाहते हैं तो हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा। इंटरेस्ट लोन अमाउंट ज़्यादा होगा आपका, है ना, तो उस हिसाब से ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा उस पर। अच्छा, तो अगर हम मान लीजिए 20,000 का डाउन पेमेंट करते हैं तो जी, मतलब EMI हमारा क्या बनेगा और कितने कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जैसे कि गाड़ी का अभी ऑन रोड प्राइस है 98,579 रुपया, है ना। अगर आप 20,000 का डाउन पेमेंट करते हैं तो 12 महीना 1 साल का EMI जो आएगा 7,863 रुपया आएगा, ठीक ठीक है। है, और यही अगर आप 2 साल का करते हैं 24 महीना का, तो 4,277 रुपया पर मंथ का EMI आएगा। और अगर आप 36 महीना का करते हैं 3 साल का, तो 3,090 रुपया पर मंथ का आएगा। EMI आएगा, जी, ठीक है। तो इसमें अगर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो अभी मिनिमम कितना इंटरेस्ट चल रहा है? मिनिमम 8.49 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन जिनका सिविल अच्छा हो, कभी बॉन्स ना हुआ हो उनका लोन, तो उनके लिए 8.49 है। ठीक है, और अगर जैसे अगर हम मान लीजिए कि मतलब जिनका थोड़ा सिविल वगैरह थोड़ा 19-20 है, मतलब थोड़ा खराब है, तो उनका क्या लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 9 से 10% के एवरेज आएगा, एवरेज में आ जाएगा। 9 से 10% में आ जाएगा उनका। ठीक है, तो अगर अभी हम जैसे इस बाइक को अगर फाइनेंस करवाते हैं तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, मतलब कौन से मंथ वाले के साथ जाने से थोड़ा इंटरेस्ट कम लगेगा? 2 साल, 2 साल ठीक है, एवरेज है। EMI भी आपका ठीक आएगा जो आप भर सकते हैं आराम से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ओवरऑल जो आप जोड़िएगा तो कम अमाउंट आएगा आपका इंटरेस्ट का 2 साल वाले में। 2 साल में, ठीक है। तो अगर जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे बाइक ओवरऑल फाइनेंस में, तो अगर हम फाइनेंस करवाने आ रहे हैं तो किन किन बातों का जैसे ध्यान देना पड़ता है, मतलब क्या देखना होगा हमें, ताकि जैसे कुछ हमें मतलब काफी लोग होते हैं जैसे कंप्लेन करते हैं कि हमारा EMI ज्यादा आ गया, मतलब जितना फाइनेंसर ने बताया था उससे ज्यादा पैसा कट रहा है, ये सब मतलब नहीं, इसे बचने तो के लिए? आप ये सब चीज के लिए क्या है कि जिस समय आप फाइनेंस करवाइएगा तो उस समय एक नोटबुक रखिएगा अपने पास, अगर नहीं है तो आप यहीं पे व्हाइट पेपर में आप फाइनेंसर जैसे हम हैं, अगर हम फाइनेंस कर रहे हैं तो आप हमसे इन हैंड वहाँ पे लिखवा लीजिएगा कि आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं EMI का, आप वहाँ लिख दीजिए और नीचे साइन कर दीजिए कि कल रह के अगर हम गाड़ी लेके जाएं और EMI का टाइम आया तो वहाँ पे 10-20 रुपया या 1 रुपया का भी डिफर ना हो, अच्छा, है ना। तो उससे क्या होगा कि आप सेफ है, कोई आपको मतलब फ्रॉड नहीं कर सकता आपके और साथ। कोई अगर जैसे अगर साइन करने के लिए नहीं तैयार होते हैं तो? नहीं तो उसके लिए कुछ तो आप, जब अगर वो अगर इतना का EMI आएगा तो उसको साइन करने में कोई एतराज नहीं। तो मतलब ऐसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल में मतलब जितना आप लोग EMI बताते हैं उतना ही एग्जैक्ट EMI आता एग्जैक्ट, है, उसमें डिफरेंस 1 रुपए का भी नहीं आता? डिफरेंस 1 रुपए का भी नहीं आता। ठीक, तो ये था फ्रेंड्स एक यहाँ पे बजाज की पल्सर 125 का बेस्ट फाइनेंस ऑप्शन जो आपको यहाँ पे था वो हमने बता दिया है। और अगर कोई कम डाउन पेमेंट करके भी लेना चाहते हैं तो कम से कम कितने में आप बाइक छोड़ देंगे? अगर आप स्टेटमेंट 1 साल का दे दीजिएगा जिस भी अकाउंट में आपका है, बैंक अकाउंट है ना, तो हम 0 डाउन पेमेंट पे भी गाड़ी फाइनेंस कर देंगे। 0 डाउन पेमेंट, मतलब 1 रुपए भी डाउन पेमेंट नहीं? 1 रुपए भी डाउन पेमेंट नहीं लगेगा। मतलब उसमें क्या है कि मतलब हमें स्टेटमेंट देना होगा? जी, 1 साल का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन मतलब होना चाहिए जी, ट्रांजेक्शन मिनिमम 10,000 रुपये का महीने का ट्रांजेक्शन होना चाहिए तो आपका अप्रूवल आ जाएगा, हम 0 डाउन पेमेंट पे कर देंगे गाड़ी। मतलब जिनका भी 10,000 रुपये अगर सैलरी आ रहा है या बिजनेस से आ रहा है तो वो मतलब इजीली 0% में भी करवा सकते हैं? 0 डाउन पेमेंट पे करवा सकते हैं। 0 डाउन पेमेंट में करवा सकते जी, हैं, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स यहाँ पे आपको हमने बता दिया है, 0 अगर आप डाउन पेमेंट में बाइक लेना चाह रहे हैं उसका भी प्रोसेस भैया ने बता दिया है, थोड़ा सा उसमें आपको जो है वो अपना स्टेटमेंट अच्छा रखना होगा, तो आप इजीली यहाँ पे 0 डाउन पेमेंट में भी बाइक ले जा सकते हैं। बस उसमें रहेगा ये कि थोड़ा आपका इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा।
हाँ, जैसे कि आपका पूरा गाड़ी का अमाउंट पूरा लोन हो रहा है तो उसपे तो आपका इंटरेस्ट लगेगा ही, लेकिन इंटरेस्ट क्या है वही कि है 9 या 10% या तो 8.5% ही रहेगा, हाँ, लेकिन क्या है कि आप डाउन पेमेंट नहीं कर रहे तो गाड़ी का पूरा रेट पे लोन जा रहा है। तो इसलिए हाँ, मतलब ज्यादा लगता है इसलिए परमिट। ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर सिंपल किन्हीं सा, के अगर पास 1 लाख का गाड़ी है, आप 1 लाख का लोन करा रहे हैं, 10% का 10,000 होता है। हाँ हाँ अगर हाँ आप 20,000 डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो लोन आपका 80,000 का हो रहा है, तो उसका 10% 8,000 होता है। तो हाँ यही डिफर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा लेकिन क्या है अमाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट आपको ज्यादा कम ज्यादा लगेगा। होता है, हाँ जी, ठीक है। बाकी लोन का जो इंटरेस्ट है वो सेम ही रहेगा, सेम हम रहेगा। कितने का भी लोन करवाएं। हाँ जी, ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स, एक यहाँ पे मतलब आपको हमने डिटेल्स में एकदम मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से आप फाइनेंस करवा के किस तरह से अपना अमाउंट सेव कर सकते हैं। तो भैया के हिसाब से अगर आप 20,000 भी डाउन पेमेंट कर देते हैं तो अच्छा ऑप्शन रहेगा। बाकी आप 0% में भी ले सकते हैं डाउन पेमेंट, मतलब 0 रुपये करके भी आप बाइक को ले जा सकते हैं। तो मैं होप करता हूँ आपकी सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गई हो। और बाकी हम विकास जी का स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे, अगर आप ग्रिड एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप शोरूम में विजिट कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएंगे यहीं पे बजाज शोरूम पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।